अरे वाह दादा, इस बार पहली दफा आप मुझे सालगिरह पे कैलीग्राफी पेंट करके दे रहे हैं, वरना तो कुछ और गिफ्ट दिया करते थे। तुम फिल्म इंडस्ट्री में भी तो पहली बार जा रहे हो, उसमें भी तो तुम्हारा पहला साल है। इधर सिरातुल मुस्तकीम, आपको लगता है मुझे सीधे रास्ते पर चलने के लिए रहनुमाई की जरूरत है? हमेशा अभी भटका हुआ नहीं हूं दादा। तुम तो मोमिन हो, भटकता तो मोमिन ही है। जिसके पास ईमान ही नहीं है वो क्या भटकेगा। देख लिया तुमने अपना तोहफा? It's beautiful. तुम्हारी कामयाबी अल्लाह से ही है। तो शायद का ये मतलब है? हाँ। और नाकामी? वो भी। दादा आप भी क्या तुर्की से हमेशा मेरे लिए बोझ उठा के ले आते हैं? ये तो कोई बोझ नहीं है मोमिन, बोझ तो इमाल का होता है। अच्छा तो उस लिहाज से आप तो परिंदों के पर की तरह हल्के हो, और मैं मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि अपने बुरे इमाल के बोझ का मजना किस चीज से करूं। अच्छे इमाल बुरों को मिटा देते हैं। अच्छे अमाल क्या होते हैं? जिनके बारे में दिल कहता हो, किसी से पूछने की जहमत ना हो। दादा मैंने सोचा इस बार खुद ही अपना गिफ्ट मैं साथ ले जाऊं और आपकी जिंदगी आसान कर दूं। इसको अपने घर की दीवार पे लगाना जो तुमने नया खरीदा। काना रब्बा का बसीरा, और तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। अरे दादा ये आयत मैं रोज देखूंगा ना तो मेरा तो शर्म से डूब मरने का दिल करेगा। लेट मी प्लीज लिव माई लाइफ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। अभी अभी मोमिन नहीं होना मैंने। ये अब्दुल आला साहब की शाहकार है। हर साल मैं उनसे मिन्नत से माजत करता था कि जो वो आपके लिए बना रहे थे कि एक आध पीस मुझे भी दे दें, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया।
लेकिन अब मेरी किस्मत देखिए, ये सातों के साथ मेरे हिस्से में। कैसे ये सब उनको दे सकता हूं? ये तो मेरा आखिरी एहसासा है, शायद दादा का। दुनिया की किसी चीज के एवज नहीं दे सकता है। सुल्तान के लिए